Hello guys, hello and welcome to another premiere of Black Ops Reborn YT. Very good evening, very good night to everyone. स्वागत है आप सभी का गाइज मेरे करियर मोड यानी कि आईमन अधिकारी के करियर मोड के एपिसोड नंबर 6 में, जहां मैं IPL में आज CSK की तरफ से खेलूंगा रॉयल्स के खिलाफ. दिख रहा होगा बोर्ड पर CSK वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, होम ग्राउंड है CSK का जहां पर ये होगा मैच, और मैं बिल्कुल तैयार हूँ. मैं खेलूँगा एज एन प्लेयर और बाई डिफ़ॉल्ट ऑब्वियसली CSK की तरफ से. राजस्थान रॉयल्स इस IPL के पॉइंट्स टेबल में नंबर 6 पर है, सिर्फ 2 मैचेस जीती है, और चेन्नई सुपर किंग्स 4 मैचेस जीती है.
और 3 हारी है, और ये मेरा छठा मैच है सीएसके की तरफ से, क्योंकि 2 मैच में मैं इंजर्ड था तो नहीं खेल पाया था। तो आज छठा मैच और छठा एपिसोड लेकर आ गया हूँ मैं फिर से एक बार आप लोगों के पास। तो गाइस सपोर्ट बना के रखिएगा, लाइक गोल 100 का है और सब्सक्राइब गाइस 6K के करीब है हम गाइस, मात्र 50 और सब्सक्राइबर चाहिए तो 6K हो जाएंगे, तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो को पसंद कीजिएगा अगर तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको गेम प्ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करियर मोड बिना वक्त को गवाए हुए। तो ये चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स मेरे करियर मोड यानी कि आयमन अधिकारी के करियर मोड का एपिसोड नंबर 6। आपको तो पता ही है कि क्या करना है गाइस, ये लाइव कर रहा हूँ मैं, प्रीमियर है ये। इस वीडियो को मैंने पहले ही बना लिया था, अब मैं इसको लाइव कर रहा हूँ कि आप लोगों के साथ बैठ करके मैं इस मैच को देखूँगा और आनंद भी उठाऊँगा। तो गाइस कमेंट जो आप करेंगे, कमेंट का रिप्लाई मेरे मॉडरेटर्स हैं तो मॉडरेटर्स रिप्लाई दे देंगे, और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए गाइस, सपोर्ट दिखाइए भाई को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मैच, एपिसोड नंबर 6, हियर वी गो। और गाइस एशिया कप चल रहा है, आप स्क्रीन के नीचे देख सकते हैं कि एक स्क्रोलिंग टेक्स्ट है जहां पर एशिया कप 2021 की एडवर्टीजमेंट और वो इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं। तो गाइस एशिया कप चल रहा है हमारे चैनल पर, मैच नंबर 12 होगा कल मंडे को शाम को 7:10 पर, जहां पर इंडिया और बांग्लादेश हो गया आमने सामने। तो ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस, सबका गोल है 6K, लाइक गोल 300 का है नीचे, तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाते रहिए और एशिया कप में जुड़े रहिएगा। फिलहाल एक बार फिर से पहुंच चुके हैं हम MA चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई का होम ग्राउंड, जहां मेन इन येलो चेन्नई होंगे मेन इन पिंक राजस्थान रॉयल्स के सामने। एपिसोड नंबर 6 करियर मोड आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, मेरे करियर मोड का एपिसोड नंबर 6। लाइक गोल इस वीडियो का सिर्फ 100 है, प्लेइंग 11 है आप लोगों के सामने। सुरेश रायना जी के साथ मैं ओपन करूँगा, और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये एज ए प्लेयर खेल रहा हूँ मैं, तो जब भी मेरी बारी आएगी गेंदबाजी या बल्लेबाजी में तभी मैं स्क्रीन पर आऊंगा। फिलहाल टॉस के लिए चलते हैं, दो कप्तान हैं हमारे पहले आईपीएल करियर में। राजस्थान ने जीता है टॉस, यहाँ पर क्या करना चाहेगी, बॉलिंग का फैसला होना चाहिए या बैटिंग का, ये देखते हैं। बैटिंग लेंगे तो अच्छा होगा। अरे भैया क्या बात है, सुन ली है मेरी, ये आउटफील्ड देख लीजिए जरा सा। तो गाइज न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर, राजस्थान हैज़ वॉन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। तो मेरी आएगी गेंदबाजी, और जैसे ही मेरा टर्न आएगा गेंदबाजी में वैसे ही मैं आपके स्क्रीन पर आ जाऊंगा, तब तक आप एंट्री के मज़े लीजिए। तो मेन इन येलो चेन्नई, आज मेन इन पिंक के सामने MA चिदंबरम स्टेडियम पर, होम ग्राउंड है। अब चूँकि मैं एज अ कैप्टन खेल नहीं रहा हूँ तो फिर मुझे टीम सेलेक्शन का कोई इरादा नहीं था और नहीं मिलेगा, बस जब बैटिंग बॉलिंग आ जाएगी तब बैटिंग बॉलिंग कर लेंगे। दो ओपनर्स हैं, मनन वोहरा, अच्छा वोहरा जी हैं, उनके साथ कौन है पता नहीं, अभी पता चलेगा। तो बिल्कुल ग्राउंड तैयार, दर्शक तैयार इस आईपीएल मैच का आनंद उठाने के लिए। आई होप आप लोगों को भी पसंद आएगा गाइस ये वीडियो, आज उम्मीद करूंगा कि मैं थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन करूं। पिछले 3 मैचेस में तो बढ़िया सेंचुरी हाफ सेंचुरी लगा के आ रहा हूं मैं, देखते हैं कि इस मैच में क्या कर पाऊंगा। फिलहाल सिमुलेट होगा क्योंकि मेरी बॉलिंग जब तक आएगी नहीं तब तक मैं स्क्रीन पर आऊंगा नहीं, और फिलहाल आ गई है मेरी गेंदबाजी। 37वां मैच, 10 विकेट ले चुका हूं अभी तक, और बेस्ट है 10-1। चलिए फील्डिंग चेंज करेंगे हम, ऐसी फील्डिंग में हम गेंदबाजी नहीं करते। तो इनको लाएंगे हम पीछे, इनको लाएंगे हम ऊपर, और जो स्लिप्स में खिलाड़ी हैं उनको हम लाएंगे इधर, और डीप थर्ड मैन तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है,
इनको लाएंगे नीचे। चलिए ऑन साइड भी खाली है, ऐसे तो नहीं चलेगा ब्रो। चलिए देखते हैं पहली गेंद डालते हैं। अच्छा यशस्वी जायसवाल जी और मदन बोहरा दो ओपन करने आए हैं, 3 ओवर्स में 17 रन बन चुका है राजस्थान का। चलिए जी पहली गेंद इनको पहले ये देख लूँ मैं। अच्छा हुक और पुल है इनका, अच्छा ठीक है। चलिए जी शॉर्ट बॉल से शुरू करेंगे पहली गेंद, एपिसोड नंबर 6। क्या विकेट निकाल पाऊंगा मैं आज? बढ़िया गेंद, स्क्वायर कट लगाना चाहते थे, बीट हुए वहाँ पर, बढ़िया गेंदबाजी। 4 ओवर का कोटा है, क्या मैं ले सकता हूँ विकेट ये देखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, 2 गेंदें 2 डॉट। 2 मैचेस में मैं इंजर्ड था इसलिए खेल नहीं पाया, लेकिन आखिरी के जो मैचेस खेले हैं उसमें मैंने बैटिंग में तो अच्छा प्रदर्शन किया है लेकिन गेंदबाजी में नहीं। एक ही विकेट निकाला था, 2 मैच में 1-1 विकेट निकाला था मैंने। विकेट चाहिए यशस्वी जायसवाल, एक यंग टैलेंट, और उनके सामने करेंगे हम गेंदबाजी। ड्राइव इनका स्ट्रॉन्गेस्ट है तो गुड लेंथ पर डालते हैं, लेट्स सी। गाइस लाइक करते रहिए, गाइस सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा, 6K सब्सक्राइबर्स के हम बहुत करीब हैं गाइस। एज लगा है, 3rd मैन पर मौजूद खिलाड़ी 1 ही रन मिलेगा। गाइज सपोर्ट दिखाइए, गाइज लाइक करते रहिए। लाइक का गोल मात्र 100 है गाइज, लाइक का गोल सिर्फ 100 है। पहले 300 था लेकिन अब मैंने 100 कर दिया है। आई नो कि हुआ नहीं है लाइक गोल पूरा, लेकिन देखते हैं कि 100 पे लाइक गोल पूरा होता है या नहीं। तो करते रहिए गाइज सपोर्ट, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिल्कुल सोचिएगा नहीं। फिलहाल रन चुराया है बिल्कुल तेज तरार, 1 रन और। किफायती गेंदबाजी है, गेंद में तेजी भी है लेकिन विकेट टेकिंग चाहिए, विकेट टेकिंग गेंदबाजी चाहिए, है कि नहीं पब्लिक? विकेट चाहिए अपन को। चलिए आखिरी गेंद, यॉर्कर लेंथ बॉल, ड्राइव लगा दिया, एक्स्ट्रा कवर मौजूद ऑन साइड पर, 1 ही रन मिलेगा। 4 सिंगल ओवर से 4 के बाद दूसरा ओवर मिलेगा, जी हाँ मिलेगा। 33 for 1 in 5 overs, पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आया हूँ मैं, विकेट चाहिए फिलहाल। भैया विकेट ले लो, कैसे लूँगा विकेट, आउट स्विंग ही कराते हैं। चलिए चेन्नई सुपर किंग्स का होम ग्राउंड है तो इनका लोगो लगा हुआ है बिल्कुल। ये बढ़िया गेंद थी, अंदर आई थी गेंद। मैं बैटिंग ऑलराउंडर हूँ तो बैटिंग तो अच्छी कर लेता हूँ, गेंदबाजी अच्छी बात थोड़ी तो कर ही लेता हूँ, लेकिन विकेट टेकिंग गेंदबाजी अभी सीखना बाकी है। फिर से एज लगा है, 3rd मैन वहाँ पर फील्ड करेंगे, 1 रन और। इंटरनेशनल लेवल पे सिलेक्शन बहुत जल्दी होने वाला है गाइस, तो करियर मोड बहुत बेहतरीन होने वाला है, बिल्कुल जुड़े रहिएगा। करियर मोड कम से कम 50 एपिसोड का होगा, मिनिमम तो होगा ही होगा। ये बढ़िया गेंद, पिच पर बाउंस का इस्तेमाल करते हो यहाँ पर, 151.9 किलोमीटर प्रति घंटा, बहुत बढ़िया तेज़ गेंदबाजी। थोड़ा सा एक स्लोअर भी डालते हैं, देखते हैं कि क्या विकेट चाहिए। भैया प्रदर्शन चाहिए अच्छा, नहीं तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। ये बोल्ड हो, अरे वाह 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 क्या बात है। वेरिएशन देखिए जरा सा, स्लोअर गेंद, यॉर्कर लेंथ आउटसाइड द ऑफ स्टंप और खेल वैसे स्टंप पर। ये तो भैया बहुत बढ़िया गेंदबाजी, कह रहे थे प्रदर्शन चाहिए। और शशांक सिंह को भेजा है बाहर 12 रन पर, 34 for 3 रॉयल, बिल्कुल रॉयल विकेट निकाला है यहाँ पर आयमन ने। चलो भैया 1 विकेट तो निकाला, मैं रिप्ले ज़रूर देखूँगा इस गेंद का, नज़दीक से वो भी देखेंगे हम। ऐसे बहुत ज़्यादा बाहर की आप देख सकते हैं कि गेंद कहाँ थी, लेकिन ये पहले ही खेले और बॉटम एज लग करके लेग स्टंप ले उड़ी है गेंद भाई, ये तो अनलकी थे शशांक जो आउट हुए हैं। लेकिन बढ़िया स्पेल, 5 रन देकर 1 विकेट। रॉबिन उथप्पा आए हैं, अरे भैया उथप्पा साहब के सामने गेंदबाजी कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नर्वस, लेकिन क्या इनको भी और कर दें क्या? हुक और पुल वीकेस्ट है इनका, हुक और पुल वीकेस्ट है। ओके चलिए
बहुत बढ़िया ओवर, ब्रेक थ्रू दिलाया है, पहला झटका दिया है राजस्थान रॉयल्स को, पुल कर दिया है यहाँ पर, बिल्कुल तैयार थे भैया। कौन कहता है कि हुक और पुल अच्छा नहीं खेल पाएंगे, ये मतलब कि गलत आंकड़े बताए जाते हैं। ये पुल के लिए तैयार थे बिल्कुल, उथप्पा बैकवर्ड को लेग की तरफ, 4 रन बटोरेंगे। मैंने यही समझ के दिया था शॉर्ट पिच गेंद, भैया फिर से यॉर्कर डालूंगा, रुको। लेट्स ट्राई अगेन द स्लोवर यॉर्कर, बहुत बढ़िया। End of the power play. Sorry, 39-52. Five fielders can be now put outside the circle. Power play की समाप्ति हो चुकी है और यहाँ पर तीसरा ओवर भी शायद मुझे मिल जाएगा। 7 ओवर्स के बाद 39-2, तो अब 7 ओवर्स हो गए हैं, तो फील्डिंग हम बाहर रखेंगे। A few moves made in the field. और इन स्विंग गेंद करेंगे। मनन वोरा 11 पे बार ओडीआई खेलते हुए यहाँ पर, ये बढ़िया है, डीप मिड विकेट आएंगे और बढ़िया रन चुराए हैं यहाँ पर। एक रन मिलेगा, किफायती ओवर अब निकालेंगे, एक और विकेट मिल जाएगा तो बहुत बेहतरीन होगा। क्या एक और विकेट ले पाऊंगा मैं? 42 राजस्थान रॉयल्स। गाइस ये है मेरा करियर मोड का एपिसोड नंबर 6, हवा में जरूर है लेकिन 4 रन जाएगी, गैप में गई है गेंद, 2 बाउंसेस ओवर द रो। भाई ये जब जब शॉर्ट पिच गेंद डाली है तब तक इन्होंने खेल दिया है बिल्कुल। उथप्पा जी बिल्कुल प्रैक्टिस करके आए हैं कि भैया मुझे तो शॉर्ट पिच डालो ही मत, बिल्कुल भी डालेंगे नहीं है। 2 बार डाला, 2 चौके मार दिए इनने, ये डालेंगे, यही डालेंगे, यही 44-2। तीसरा ओवर चल रहा है गाइस, इसके बाद फिर हमारी बैटिंग आएगी। एक और वाइडिश यॉर्कर, रन भागना चाहते थे लेकिन बढ़िया फील्डिंग। आखिरी 2 गेंदे तीसरे ओवर की, एक और डॉट बॉल है, बहुत बढ़िया ओवर। एक चौका दिया जरूर है और एक सिंगल, उसके बाद फिर से सारे के सारे डॉट बॉल, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं आखिरी गेंद, रॉबी उथप्पा 12 गेंदे 9 रन, बहुत बढ़िया। स्लोअर गेंद थी, बहुत बढ़िया परखा, उसको ड्राइव लगाया है एक्स्ट्रा कवर की तरफ, खिलाड़ी है पीछे मौजूद, फील्ड होना चाहिए गेंद, हुआ तो है लेकिन नहीं रोक पाएंगे। And that's the end of another tidy over. 47-42. अब चौथा और आखिरी ओवर हम मिलेगा तो जरूर। चलिए जी वापस आ चुके हैं, 3 ओवर्स में मैंने 18 रन देकर 1 विकेट लिया है और 15वां ओवर मैं करूंगा। मनन वोहरा जी 40 पे और बेन स्टोक्स खेल रहे, अरे भाई बेन स्टोक्स खेल रहे हैं भाई, बेन स्टोक्स, अच्छा ओके। चलो भैया आखिरी ओवर है ये गेंदबाजी, इसके बाद फिर मेरे को बैटिंग में देखेंगे आप। और यह शॉट है स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, कोई नहीं है मौजूद वहां पर, फील्ड होने के चांसेस हैं, हो जाएंगे लेकिन 2 रन से नहीं रोक पाएंगे। Very nice throw back there. बहुत बढ़िया थ्रो, मनन वोहरा बढ़िया खेलते हुए 42 पर पहुंचे हैं। उनको आउट कैसे किया जाए, उनका स्ट्रॉन्गेस्ट हुक और पुल है। अच्छा ऑन साइड पर है ना, तो शॉर्ट बॉल डालो ऑन साइड पर, लेट्स सी। मौजूद है वहाँ वाइडेस्ट फाइन लेग, 1 रन से ही संतुष्ट रहेंगे। One run there. भैया मैंने 20 रन दे दिया है अपने 4 ओवर के कोटे में, 21 रन, एक विकेट तो मांगता है। बेन स्टोक्स है सामने फिलहाल, भैया देखो मेरे ओवर के 4 गेंदे बाकी हैं स्पेल के भी और इसके बाद फिर मैं बैटिंग करने ही आऊँगा। तो गाइस देखो अभी तक लाइक नहीं हुआ है, जितने भी बंदे देख रहे हो गाइस लाइक कर दो, मात्र 100 लाइक का गोल है गाइस, सो लेट्स अचीव द टारगेट ऑफ 100 गोल्स। और सब्सक्राइब कर भी दो, जो भी नए देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग होती है डेली शाम को 7 बजे और एशिया कप चल रहा है और उसके बाद इंडिया वर्सेस श्रीलंका का टूर शुरू होगा हमारे क्रिकेट 19 PC गेम प्ले पर, जिसका मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर जो है अपडेट्स डाल दिया है, तो एक बार मेरे कम्युनिटी पोस्ट को भी चेक कर लेना। और
बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, तो लाइक एंड सब्सक्राइब होते रहना चाहिए। फिलहाल शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया है इसको ऑन साइड पर, खिलाड़ी जब तक फील्ड करेंगे एक रन से संतुष्ट रहेंगे। बेन स्टोक्स को गेंदबाजी कर रहा हूँ मैं, बेन स्टोक्स। फिलहाल विकेट चाहिए भाई, विकेट चाहिए, एक और विकेट। क्या मनन मोहरा का विकेट आएगा? यॉर्कर लेन बॉल है, खेला है उसको स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, दो रन लेने नहीं दिया जाना चाहिए। अरे ले लेंगे दो रन। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। मनन वोहरा लगता है आज माइंड सेट करके आए हैं। फिलहाल 97 हो चुका है स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर राजस्थान रॉयल्स का। आखिरी के दो गेंदे मेरे स्पेल की, यह है मेरे करियर मोड का 6th एपिसोड। बोल्ड हो गए हैं, दूसरा विकेट। फिर से एक बार वैसे ही गेंद, स्लोअर यॉर्कर। फिर से एक बार अंदरूनी किनारा उसका पर खेल बैठे गेंद, दूसरा झटका दिया है आनंद ने। बहुत बड़ी, अब तो दो विकेट निकाल लिए, अब तो अगर मैं 40 रन बना दूंगा तो प्लेयर ऑफ द मैच मिल जाएगा। 45 पर मनन बोहरा गए हैं बाहर। ओ भाई, बड़ा नाम जॉस बटलर, जॉस द बॉस आए हैं। ओ भाई, बटलर को गेंदबाजी कर रहा हूँ मैं, और बस एक यही एक गेंद करूँगा मैं बटलर को। 24 रन देकर 2 विकेट झटक चुका हूँ। यह एक और स्लोअर यॉर्कर दिया जाए। आखिरी गेंद मेरे स्पेल की, बहुत बढ़िया मैच, ऑल अराउंड परफॉर्मेंस। डॉट बॉल से ख़त्म करेंगे अपने स्पेल को। 4 ओवर्स में 24 रन देकर 2 विकेट्स। गेंदबाजी में तो चलो भैया अपना काम हो गया, ठीक है। देखते 148 का टारगेट मिला है, 149 का, और आ गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अब ओवर्स रिमेनिंग 5 क्यों भैया? अच्छा, 2859 अभी तक 37 मैचेस में बनाए, एवरेज है 95 का, गजब एवरेज। जोफ्रा आर्चर, अरे भाई साहब, जोफ्रा आर्चर को भैया खेलना हो पहली बार में। ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं, जोफ्रा आर्चर है भाई दिग्गज गेंदबाज, बेहतरीन गेंदबाज रॉयल्स के लिए। तो गाइज, गेंदबाजी ख़त्म हो चुकी है, आ गई है बल्लेबाजी की बारी, और मेरे स्टैमिना बिल्कुल आधा है। फिर इस बार लगता है कि मैं होऊंगा इंजर्ड। ओ देखा, बड़ा शॉट लगाने गए थे आयमन, लेकिन किनारा लगा। आसान नहीं है जोफ्रा आर्चर को रन्स लगाना, 149 का टारगेट है, क्या अचीव कर पाएंगे? ये शॉट बढ़िया है, गैप में धकेला है गेंद को, 2 रन मिल पाएगा। ऑफ द मार्क हुए हैं आयमन, यानी कि मैं। Nicely ran there, they'll get two. आर्चर के खिलाफ 2 रन ऑफ द मार्क। स्टैमिना कम है, मैं कितना ही खेल पाऊंगा? Yep. ये शॉट बढ़िया है, टाइमिंग भी है, पावर भी है, क्या 4 रन मिलेगा? नहीं मिलेगा, ये तो गेंद ही रुक गई है भाई, ये तो गेंद ही रुक गई है। 3 रन ही से ही संतुष्ट रहेंगे, 6 बिना किसी नुकसान के, 1 ओवर के बाद। भाई ऐसे भागता रहूँगा तो मेरा तो स्टैमिना कम ही होता रहेगा। जयदेव उनादकट, दूसरे गेंदबाज राउंड द विकेट, ऑन साइड पर खेल सकता हूँ मैं। ओहो, फुल टॉस लेट हो गया, बच भी गया हूँ मैं। आसान नहीं है खेलना भैया, ये हूँ मैं। स्टाइल देखो भैया, चश्मा लगा के खेलता हूँ मैं रात है दिन। फिलहाल मिस्टर IPL, अच्छा 200 रन बनाने हैं, जिसमें 100 रन बना चुका हूँ मैं, बन जाएंगे वो भी, अचीवमेंट पूरा हो जाएगा। करियर मोड का 6th एपिसोड है गाइस। Yep. भागो 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 सिंगल, भागो, हाँ कहाँ से क्लोज। Very tiny over that one. 2 ओवर के बाद 9 रन देना कैसे विकेट के, और मैं हूँ 7 रन पर 6 गेंद। फिर से आ गए हैं जोफ्रा आर्चर, जोफ्रा बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग भाई, शॉर्ट कवर पर खिलाड़ी तैनात है बिल्कुल, पता कि रन बटोरेंगे लेकिन नहीं, बढ़िया फील्डिंग। अब गैप लगा दिया गया, 2 स्लिप्स लगा दी गई हैं, कवर पॉइंट खाली है। बाहर निकल रही थी गेंद, आउट स्विंग कराने की कोशिश, क्या पहला चौका आएगा ये? अरे नहीं भैया, कितना बड़ा ग्राउंड है भाई, ये तो भागते भागते स्टैमिना ही ख़त्म हो जाएगा मेरा। Good running. That's 3. भागते भागते मेरा स्टैमिना ख़त्म हो जाएगा। 8 गेंदों पर 10 रन पे पहुंचा हूं मैं।
एक भी चौका नहीं आया अभी तक। ये भी देखो इस बार ऑन साइड पर गैप में ढकेला है, फिर से दो रन लेंगे और 19 बिना किसी विकेट के सीएस के तीन ओवर्स के बाद। Not too bad from either side there. 149 रनों का टारगेट दिया है राजस्थान रॉयल्स ने, और अगर आज का मैच सीएसके जीतती है तो फिर वो अपना पांचवा मैच जीतेगी। बहुत बढ़िया बैकवर्ड स्क्वेयर लेग की तरफ खेला है, दो रन के लिए जरूर ट्राई करेंगे। जी हाँ बिल्कुल बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। They get back for two. चौका एक भी नहीं आया है मेरे बल्ले से। आसान नहीं है मारना भैया, इजी थोड़ी ना, हार्ड में खेल रहे अपन। कवर पॉइंट खाली है। ओ स्टंप्स पे गेंद लगी, बच गई है गेंद लगते लगते। The bowler beating them all ends up. स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेलना चाहते हैं। शॉट जो सिलेक्शन था वो गलत था बिल्कुल। भैया सपोर्ट दिखाइए जल्दी से, क्या लगता है आपको कि सीएसके जीतेगी या हारेगी? मयंक मार्कंडे, अरे भैया बड़े बड़े नाम है भाई, गजब। स्पिन एक तो खेलना नहीं आता, ऊपर से स्पिन आ गया है खेलने के लिए। चलो ऐसे ही खेलेंगे, दो रन तो आएगा। नहीं नहीं नहीं, एक रन ही रखो, बहुत अच्छी फील्डिंग है वहां पर। पावर प्ले के खत्म होते होते एक विकेट भी गिर चुका है तो मिस्टर आईपीएल आउट हो चुके हैं। एडविन आए हैं दो गेंदे और पांच रन पर। yep. यहाँ भी एक ही रन मिलेगा। One run added. भाई पावर प्ले में कम से कम 50 रन चाहिए भाई, एक भी चौका नहीं आया है, ऐसे कैसे काम चलेगा ब्रो? yep. ये गैप में खेला तो है, फिर से यहाँ पर दो रन ही लेंगे। मेरा स्टैमिना ऐसे ही खत्म हो जाएगा, एक भी चौका लगेगा नहीं लगेगा आज। Some well targeted bowling in that over. Rajasthan are now allowed five. Power play की समाप्ति हो चुकी है फिलहाल, और 6 ओवर्स के बाद 45 रन एक विकेट के नुकसान पर। 104 रन चाहिए अभी भी। yep. बहुत बड़े स्ट्राइक रोटेट करो, एडविन साहब मार रहे हैं 9 गेंदों पर 18 रन। They take a single. एडविन साहब को ही कुछ करना होगा। 80 गेंदे 102 रन, एडविन साहब सिंगल लेकर के दिए हैं, क्या कर रहे हो एडविन साहब? फिर से हम सिंगल लेकर देंगे भाई, लग नहीं रहा भाई कसम से। गाइस वेलकम टू दिस लाइव प्रीमियर गाइस, आयमन अधिकारी के करियर मोड का छठा एपिसोड, स्वागत है आप सभी का। गाइस लाइक करो यार, लाइक देखो बिल्कुल नहीं हो रहा, अब तो मैंने 100 लाइक कर दिए हैं, अब तो 100 लाख का गोल आई गेस पूरा हो जाएगा, तो लाइक करते रहिए गाइस। yep. ये गैप तो है लेकिन दो ही रन मिलेगा, एक भी चौका नहीं आया है अभी तक भाई, मेरे बल्ले से एक भी चौका नहीं आया है। And two runs added to the आज क्या बड़े शॉट्स खेलेंगे नहीं क्या हम? 17 गेंदे 22 रन, स्टैमिना है नहीं, थके हुए हैं, फील्ड भी फैलाई हुई है बिल्कुल। शॉट बढ़िया बढ़िया फील्डिंग है भाई, स्लाइडिंग इफेक्ट, एक शॉट तो बढ़िया लगा था, उम्मीद था 4 रन के लिए लेकिन नहीं गया भाई। क्या करूं मैं भैया, मैच भी जीतना है नहीं तो मैच हार जाएंगे तो फिर नाक कटेगी भैया। 8 ओवर्स में 57 रन, 72 गेंदे 92 रन चाहिए, बड़े शॉट्स चाहिए यहाँ पर, कैसे खेलूं मैं बड़े शॉट्स? ये देखो एक एक रन, टाइमिंग ही ओके हो रही है भाई। एडविन साहब 17/25 आप मारिए, आज मेरे से तो लगी नहीं रही भाई। एडविन साहब ओवर खा गए पूरा, हाँ पूरा ओवर खा गए हैं, 66/85 चाहिए लेकिन 22/31 मार भी रहे हैं भैया एडविन साहब, ऐसा नहीं है। अरे भैया मैं सिंगल ही लेता रहूँगा बस, स्ट्रगलिंग इनिंग्स है भाई, ये पहली बार स्ट्रगल कर रहे हैं आयमन। 25 रन पर है 20 गेंदों पर, एक चौका भी नहीं लगाया है, इससे ज़्यादा स्ट्रगल और कहाँ हो सकता है। दो रन के लिए गए हैं आयमन, यहाँ पर पूरा भी करेंगे। 10 ओवर्स में 74/1, 50 रनों की साझेदारी दोनों के बीच हो चुकी है दूसरे विकेट के लिए। क्या सीएसके मैच जीतेगी? बेन स्टोक्स आ गए हैं गेंदबाजी करने और मैं हूँ स्ट्राइक पे भैया, 56 गेंद पे चाहिए 70 रन, अरे बहुत करीबी मामला भाई। अरे भैया बड़े बड़े शॉट्स लगाओ भाई,
अरे भाई साहब लेट हो रहे हैं भाई, क्या ही करूं मैं, क्या करूं मैं। देखो आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो ना, तभी रन नहीं लग रहे हैं, लेकिन अभी चौके छक्के आने जरूर बाकी हैं। देखते हैं आता है 54 गेंदे 65 रन। अरे एडविन साहब बहुत जबरदस्त, ये देखिए डिलीवरेटली बिल्कुल दिशा दिखा दी है, 2 रन के लिए भागे हैं। आई मीन पूरा भी करेंगे, बहुत बढ़िया रनिंग, बढ़िया रनिंग भाई, बढ़िया रनिंग। अभी आने वाले बल्लेबाज हैं गायकवाड, डुप्लेसी, तो अच्छे खिलाड़ी आने बाकी है। फिलहाल 86, 53 गेंदे और चाहिए 63। इस बार टाइमिंग बेहतरीन है, सिर्फ एक ही रन मिल पाएगा। चलिए बढ़िया है, 2 गेंदे 3 रन एडविन साहब मार रहे हैं। एडविन साहब 48 पे पहुंच चुके हैं 32 गेंदों पर, मैं 24 पे 31, 51 पे 61 चाहिए। क्या 2 रन मिलेगा? नहीं, एडविन साहब को आउट नहीं कराना, नहीं तो पता चलेगा बहुत कुटाई होगी पवेलियन में। अरे आउट हो गए भाई, एडविन साहब आउट हो गए हैं, कितने पे? 48 पे। लो भाई टॉम करन ने आते ही विकेट ले लिया। आए हैं ऋतुराज गायकवाड, आए हैं वे भी जस्ट, और मैं अभी तक 32 पे खेल रहा हूँ। भैया रन्स चाहिए ब्रो, रन्स चाहिए, ऐसे कैसे काम चलेगा ब्रो। सिंगल ही देता रहूंगा मैं। One more added. चलो चलो हो गया, मैं कुछ करने लगा था कभी से। चलिए चलिए 42 गेंदे चाहिए 47 रन, मैं हूँ 33 पे। ये फिर से गैप में तो ढकेला है, लेकिन 4 रन तो मिलेगा नहीं, मुझे पता है। अरे भैया 2 रन से ही संतुष्ट रहेंगे। He'll get 2 for that. Great shot. कुछ नहीं हो सकता है। 41 बॉल्स पर चाहिए 45 रन, 104 रन चाहिए अभी भी। Yep. Oh, nice ये शॉट, पहला शॉट ऐसा लगा है भैया, गया है 4 रन के लिए। ओ भाई कितने ही देर के बाद पहला चौका आया है, फाइनली चौका आ ही गया। आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद थी, बैक फुट पर पंच किया। टॉम करन जिन्होंने विकेट निकाला एडविन साहब का 48 पे, मेरा स्टैमिना ख़त्म हो रहा है, क्या मैं बना पाऊंगा हाफ सेंचुरी? फिर से एक सिंगल ही मिलेगा। 40 गेंदे और 41 रन चाहिए भैया, बिल्कुल करीबी। छत्तीस गेंदे 32 रन, 117 पे 2। फ्लिक किया है, वहीं पर एक खिलाड़ी मौजूद नहीं थे, क्या 4 रन मिलेगा? नहीं मिलेगा भैया, खिलाड़ी मौजूद है। अरे 4 रन मिल गया, ओए होए मिल गया भैया 4 रन, दूसरा चौका फाइनली बल्ले से। व्हाट अ मैच, आई मीन स्टैमिना खत्म हो रहा है, लेकिन अपनी इनिंग्स को पेस कर रहे हैं 50 के लिए। 35 गेंदे अब तो 28 रन ही चाहिए मात्र। सिंगल लेंगे, बहुत बढ़िया चौका लगाया सिंगल, ये एक जिम्मेदारी भरी इनिंग्स। चोपड़ा आचार अपना आखिरी ओवर करेंगे स्पेल का, और 30 गेंदों पर चाहिए 23 रन, ये है पलटवार सीएसके का। मेरा कंट्रीब्यूशन 45 और 2 विकेट मैं निकाला था। ये भैया हवा में कुछ देर के लिए जरूर था, लेकिन सिर्फ 1 रन मिलेगा, कवर पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद हैं। 30 गेंदे 23 रन चाहिए। ऋतुराज गायकवाड़, शशांक सिंह आए हैं, शशांक सिंह गेंदबाजी करेंगे, और वो भी मुझे, बहुत बढ़िया। ये हम खेलेंगे ही नहीं, ये वाइड है, अब तो मात्र 15 रन चाहिए। और ऋतुराज गायकवाड़ भी आउट होकर बाहर जा चुके हैं, ली में आए हैं, यहाँ पर 2 रन की उम्मीद है, और 2 रन कंप्लीट भी करेंगे। ये कंप्लीट हुआ है, बहुत बढ़िया रन,
या 48 पे पहुंच चुका हूं मैं 33 गेंदों पर, एक ऐसी इनिंग्स, एक ऐसी जिम्मेदारी भरी इनिंग्स, मैच्योर इनिंग्स इसको कहेंगे। अरे मैच्योर इनिंग्स मैंने कहा, अरे बच गया, मुझे लगा पहुंच गया फील्डर के हाथ तक। और ये 50 रन पूरा करेंगे आईमन। He is absolutely sped along to 50. 34 गेंदे 50 रन, मात्र दो चौके। ये मेहनत दिखता है गाइस, ये जो मेहनत करी है ये मेहनत दिखता है और मैच्योरिटी दिखी है इस इनिंग्स में। मात्र 11 रन चाहिए सीएसके को जीत के लिए। ऐसे एक बार प्रिसाइजली खेल करके दो रन बटोरेंगे आईमन, बहुत ही बेहतरीन। 9 रन दूर जीत से सीएसके। और प्लेयर ऑफ द मैच के प्रबल दावेदारी अब लगता है कि मुझे मिल ही जाएगी, लेकिन देखते हैं। लगातार बैक टू बैक परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है। 21 गेंदे और 9 रन। Didn't like the look of that one. वाइड होगी भाई। 8 रन चाहिए मात्र। शशांक बॉलिंग कर रहे हैं आईमन को। गाइस मेरा करियर मोड का 6th एपिसोड है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है क्लियरली, लाइक गोल 100 का है गाइस। अब इतने बढ़िया मैच्योर इनिंग्स से मैच जिता रहा हूं मैं सीएसके को, अभी भी लाइक नहीं होगा गाइस, तो कैसे काम चलेगा ये बताइए, कैसे काम चलेगा बताइए गाइस। और ये भाई डायरेक्ट हिट लगी है फ्रॉम द डीप, ये लीमन साहब रन आउट हो जाएंगे बाहर। ये देखो मैंने जानबूझ करके दो रन नहीं भगाया था आपको, दो रन थे यहाँ पर, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग और थ्रो देखिए बिल्कुल सटीक। और विकेट गिर गया है यहाँ एक और सीएसके का। लीमन साहब डक पर जाएंगे बाहर, नाखुश है खुद से। भैया मेरे से नाखुश मत होना प्लीज, मैं दो रन थे वहाँ पर, आप धीरे भागो। भैया ये नज़ारा देखिए, ये ड्रीम होता है एक ऐसे प्लेयर के साथ खेलना, एक तरफ मैं एक तरफ फैफ डुप्लेसी। 142-50 सीएसके, हवा में खेला है, खिलाड़ी है मौजूद लेकिन नहीं देख पाएंगे, वन बाउंस हो गया। अब तो लगता है कि फिनिश करके ही मानेंगे आईमन, स्टैमिना बिल्कुल भी नहीं है। मात्र 3 रन चाहिए अब। स्वीप किया है गेंद को, एक ही रन मिलेगा, स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं और वही चलेंगे। 2 रन चाहिए मात्र जीत के लिए गाइस, देखो अब सिर्फ 2 रन चाहिए गाइस। सब्सक्राइब कर दो चैनल को गाइस, 6K के हम करीब हैं गाइस, और गाइस हम पॉज करेंगे फिलहाल। गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, 6K के करीब हैं हम गाइस, मात्र 50 और सब्सक्राइबर चाहिए। आज अभी तक एक भी सब्सक्राइबर्स जो हैं कि जुड़े नहीं हैं, तो प्लीज़ गाइस जुड़ जाइए हमारे साथ, आप लोग सपोर्ट कीजिए, बाकी मेहनत मैं कर लूँगा, कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को एंटरटेन करने की। तो गाइज 6K का सब गोल है गाइज, लेट्स अचीव इट। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच जो कि कल होगा एशिया कप में, उसके पहले अगर 6K हो जाए तो बिल्कुल बात ही क्या हो। तो कर दीजिए गाइज, और लाइक का गोल मात्र 100 रखा है मैंने, कर दीजिए, इतना तो कर सकते हैं, हमारी जनता इतनी ओपी है। बाकी आपके जो भी कमेंट्स हैं गाइज वो हमारे मॉडरेटर्स आंसर कर रहे होंगे, क्योंकि ये वीडियो तो मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, इस वीडियो को मैं लाइव प्रीमियर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और लाइव स्ट्रीमिंग होगी कल एशिया कप की, मैच नंबर 12 इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। गाइस ये आखिरी के 2 रन चाहिए और मेरा स्टैमिना बिल्कुल भी नहीं है, 58 नॉट आउट। नो शॉट ऑन ऑफर फॉर दैट वन। तो गाइस थोड़ा बहुत हम प्रैक्टिस करेंगे गेंद को, बेन स्टोक्स की गेंद खेलेंगे, पूरा कोशिश करेंगे पूरा ओवर खेलें, तब तक गाइस आप लोग लाइक कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा इस चैनल को। बहुत लेट टप्पा खाने के बाद बहुत तेज़ आई गेंद, लेकिन बढ़िया खेला। आयमन का स्टैमिना बढ़ गया है फिलहाल, रेस्ट ले ले करके खेल रहे हैं, स्टैमिना बढ़ा रहे हैं अपना, बहुत बढ़िया। बाहर जा रहे थे गेंद, बस इंतज़ार है कि कब इंटरनेशनल टीम में सिलेक्शन हो जाए और फिर खेलने का मौका मिले इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ, देखते हैं। 15 गेंदे और 2 रन, ये वाइड होगा, नहीं वाइड नहीं दिया गया भाई। देखो सिर्फ 2 रन चाहिए और मैं बेन स्टोक्स की गेंद खेलना चाहता हूँ, इस वजह से मैं खेल रहा हूँ, ठीक है। तब तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बढ़िया। बेन स्टोक्स 43 गेंदे 58 रन,
और दो विकेटें गेंदबाजी करते हुए और एक मैच्योरिटी भरे इनिंग्स, और क्या चाहिए आपको। और रन चुरा लेंगे आखिरी गेंद पर, स्ट्राइक अपने पास रखेंगे, विनिंग रन लगता है कि मैं ही मारूंगा। एक रन चाहिए, स्कोर लेवल हो चुका है। और आ गए हैं शशांक सिंह एक बार फिर से बॉलिंग करने, पहले ओवर में बहुत कुटाई हुई थी इनकी, विनिंग रन्स भी यही देंगे। गाइस स्कोर लेवल है 148। गाइस देखो जल्दी से लाइक कर दो यार, अब अगर लाइक नहीं करोगे भैया हम आप ही लोगों के लिए वेट कर रहे हैं, तो दो रन तो कब का मार देते हैं आपको तो पता ही है। और ये वाइड से ही जिता दिया गया है और ये मैच हो चुका है CSK के नाम। पांचवी जीत इस IPL में, इस टूर्नामेंट में बहुत ही कंफर्टेबली 6 विकेट से जीता है CSK ने। रॉयल्स की एक और हार और आयमन का बेहतरीन प्रदर्शन इस मैच में भी कंटिन्यू रहा, गेंद से भी और बल्ले से भी, 2 विकेट बॉलिंग करते हुए। और फिर बैटिंग में एक मैच्योरिटी भरी इनिंग्स दिखी, नाबाद रहे 58 रन पर 59 रन पर, और एक बढ़िया मैच जिताया CSK को। गाइज ये मेरा करियर मोड का एपिसोड नंबर 6 है। गाइज ऐसे ही करियर मोड के एपिसोड्स आते रहेंगे आप लोगों के लिए। ये रहा स्कोर कार्ड इस मैच का, रॉयल्स ने फील्डिंग अच्छी की, गेंदबाजी थोड़ी सी लचर रही, उसके वजह से हार गई है रॉयल्स एक बार फिर। और जी हाँ, प्लेयर ऑफ द मैच मिल चुका है मुझे, क्योंकि 59 नॉट आउट और फिर 2 विकेट 24 रन देकर एक बढ़िया ऑलराउंड परफॉर्मेंस फॉर CSK इस करियर मोड में। पिछले जितने भी करियर मोड्स थे गाइस, उसमें एक तरफा बैटिंग के बदौलत ही मैच को जीता था और सेंचुरीज एंड हाफ सेंचुरीज लगाई थी मैंने बैक टू बैक। यहाँ भी हाफ सेंचुरी लगाई ज़रूर, लेकिन एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस विकेटों के साथ भी 2 विकेट अपने नाम किया था इस IPL करियर में। तो ये था गाइज हमारा करियर मोड का एपिसोड नंबर 6। उम्मीद करूँगा कि आपको पसंद आया होगा गाइज मेरा गेम प्ले, और ऐसे ही वीडियोस एपिसोड्स आते रहेंगे मेरे करियर मोड के। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही। गाइस जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन के साथ, क्योंकि जब भी मैं लाइव आऊँगा, जब भी मैं प्रीमियर करूँगा, जब भी मैं वीडियोज़ डालूँगा, तो नोटिफिकेशन कैसे पहुँचेगी आप तक, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाने पर ही। तो दबा दीजिए और सपोर्ट करते रहिए। मिलेंगे कल हम शाम को 7:10 पर एशिया कप के मैच नंबर 12 में, जहां पर भारत और बांग्लादेश की टीम होगी आमने सामने, एक बढ़िया मुकाबला वहां देखने को मिलेगा। तो गाइस थैंक यू सो मच जो भी ज्वाइन किए हैं अभी, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन इन दिस प्रीमियर ऑफ ब्लैक ऑप्स रीबॉर्न YT। मिलेंगे अगले करियर मोड के एपिसोड नंबर 7 में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल, बाय बाय ऑल, लव यू ऑल, बाय गाइस।